YNW Melly, whose real name is Jermell Demons, also faces murder charges in Anthony Williams and Christopher Thomas Jr. So, Mr. Demons, you're facing two counts of premeditated murder. तो क्या हालचाल है भाई लोग, सेक्ट्रेक्स में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे YNW मेली के बारे में। मेली बहुत ही टैलेंटेड आर्टिस्ट है एंड यंग एज में ही बहुत कुछ अचीव किया है मेली ने। यूट्यूब से लेकर साउंड क्लाउड तक काफी ऑडियंस सुनती है मेली को, इवन इंडिया में भी मेली के बहुत फैंस है। इसी सक्सेस के साथ मेली अभी फिलहाल जेल में बंद है मर्डर चार्जेस को लेके, एंड वो क्यों जेल में है और वो कब तक जेल में रहेंगे ये सब मैं आगे इस वीडियो में आपको बताऊंगा। मेली एक रैपर, सॉन्ग राइटर एंड सिंगर भी है। इनका गाना मर्डर ऑन माय माइंड एक इंटरनेशनल ब्रेकआउट हिट था। आज YNW मेली की लाइफ स्टोरी के साथ हम YNW क्रू के बारे में भी जानेंगे कि इस हिप हॉप कलेक्टिव में कौन कौन से रैपर्स हैं एंड YNW का मतलब है यंग निगा वर्ल्ड और यंग न्यू वेव। तो भाई लोग, अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना, और अपना वीडियो तीन सेक्शन में डिवाइड होगा। पहले तो YNW मेली की पूरी बायोग्राफी होगी, देन कुछ इंटरनेशनल हिप हॉप की अपडेट्स दूंगा, और लास्ट में कुछ अंडरग्राउंड आर्टिस्ट को शाउट आउट दूंगा। सो अगर आप हिप हॉप सुनते हो या आर्टिस्ट हो शाउट आउट के लिए, तो हमसे इंस्टाग्राम पे जरूर जुड़ना। तो इसी के साथ चैनल का इंट्रो करते हैं रोल और शुरू करते हैं YNW मेली की बायोग्राफी। YNW मेली, जिनका असली नाम है जेमेल मोराइस डीमंस, इनका जन्म हुआ था May 1st, 1999 जिफर्ट फ्लोरिडा यूएस में। मेली की मॉम सिर्फ 14 साल की थी जब मेली हुए थे, और मेली के फादर उनकी और मेली की मॉम की जिंदगी में कभी थे ही नहीं। मेली उनके मॉम और ग्रैंड मदर के साथ रहते थे एंड काफी गरीबी के दिन जिए हैं मेली ने। इवन ऐसे भी दिन थे कि वो लोग घर का किराया भी नहीं भर पाते थे, और घर चलाने के लिए उनकी मॉम एक फास्ट फूड चेन डंकिन डोनट्स में काम करती थी। I was really responsible for myself and I was like responsible for a whole person and trying not to, you know, mess. मेली की मॉम कभी कभी मेली को अपने साथ काम पे ले जाया करती थी, और मेली वहाँ के कस्टमर्स को एंटरटेन करते थे डांस करके। उस टाइम मेली के दिमाग में माइकल जैक्सन का भूत सवार था, और मेली को तब माइकल जैक्सन ही बनना था। मेली बचपन से ही टैलेंटेड थे और स्कूल के प्रोग्राम वगैरह में काफी एक्टिव थे, और स्कूल में लायन किंग ड्रामा वगैरह में वो गाना वगैरह गाते थे। मेली की मॉम को पहले से ही यकीन था कि एक दिन उनका बेटा स्टार बनेगा। भले ही बचपन गरीबी में चल रही थी, बट म्यूजिक कांस्टेंट था मेली की लाइफ में, और वो रोज सुबह अपने रेडियो टेप में क्रिस ब्राउन के गाने सुनते थे। तब क्रिस ब्राउन ब्लू अप हुए थे नए नए। मेली यूजुअली अपने अंकल के घर ही चिल करते थे, और उनके अंकल ड्रग्स वगैरह लेते थे, और स्कूल के बाद मेली उनके घर पे ही खेला करते थे, और उसी घर में मेली ने पहली बार गन देखा था। मेली बचपन में ही गलत कामों में इन्वॉल्व थे, और वो अपने पास गन रखने लगे स्कूल टाइम से ही। मेली को खबर भी नहीं थी कि यही गन रखने की आदत उनकी जिंदगी खराब कर देगी आगे जाके। I found my first gun when I was 9 years old. Ever since then, like growing up, I was so addicted. Well, वो साथ ही हिप हॉप में भी इंटरेस्टेड थे काफी, और फेसबुक तब नया नया आया था, सो यूजुअली मेली अपने डांस वीडियोस पोस्ट करते थे FB पर तब। और 8th ग्रेड में वो रैप की ओर अट्रैक्ट हुए एंड एक फ्रेंड के घर पे अपना पहला सॉन्ग रिकॉर्ड किया, जिसके पास एक माइक और PC था। मेली बहुत मोटिवेटेड थे एंड वो उन हालातों से बाहर आना चाहते थे, क्योंकि वो जिस एरिया में रहते थे वहां सब वही एवरेज लाइफ जी रहे थे। अगर कोई कुछ करना भी चाहता था तो दूसरे की बात सुन के वो अपना सपना भी छोड़ देता था। बट मेली हमेशा अपने को और दूसरे को भी मोटिवेट करते आ रहे हैं। Don't let nobody tell you that you're not gonna be a singer, right? Okay. You're gonna be a singer, right? उनको उनका नाम मेली अपने एक फ्रेंड से मिला जब वो लोग एक शॉप से बर्गर चुरा के भाग रहे थे तब। मीनवाइल बहुत सारे गाने वगैरह भी मेली तब रिकॉर्ड कर रहे थे, और कुछ गाने अपने फ्रेंड्स के बीच में सर्कुलेट भी करते थे। 17 साल की उम्र में मेली ने अपना क्रू फॉर्म किया YNW, और उसको अपने स्टेज नेम के आगे ऑफिशियली एड किया जस्ट लाइक ASAP मॉब। एंड इस हिप हॉप कलेक्टिव में थे YNW सैक चेजर, YNW जूवी, जिन दोनों को मेली ने गोली मारी थी, वो सब हम आगे इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और इस क्रू में YNW बॉटलैन और अभी मेली के भाई YNW स्लाइम भी है। स्कूल में हमेशा गन लेके ही जाते थे मेली, एंड जब वो हाई स्कूल में थे तो उनके हुड में गोलीबारी हुई थी, तो उसमें मेली भी थे। इसी केस में मेली पहली बार अरेस्ट हुए थे। ग्रेटफुली इस गोलीबारी में किसी की जान तो नहीं गई थी, बट फिर भी मेली को जेल जाना ही पड़ा, और इसी इंसिडेंट के चलते उन्हें स्कूल से निकाल दिया था। I knew like I was supposed to get 10 years for what I did, so I was like, hold up.
and I didn't have a lawyer and I didn't snitch. So I'm like, hold up, how am I not getting 10 years? जेल में रहने के टाइम ही मेली ने अपने म्यूजिक को सीरियसली लेना चालू किया था एंड फाइनली उन्होंने उनके साथ जो बंदा सेल में था उसको एक गाना सुनाया जो उन्होंने एक फ्री स्टाइल से बनाया था और मेली अपने सीने में मार मार के बीट निकाल रहे थे और वो गाना था मर्डर ऑफ माय माइंड। ये गाना जेल में सबको पसंद आया और मेली को और मोटिवेशन मिला। मीनवाइल हुड में मेली के पुराने गाने पॉप करने लगे थे। कॉज पहले मेली लाइमलाइट में नहीं थे बट जैसे ही वो जेल गए तो सबने मेली के म्यूजिक को सीरियसली लिया। देन फाइनली मेली जेल से बाहर आए लेकिन प्रोबेशन पर, मींस अगर जरा सी भी गलती हुई तो वो फिर प्रोबेशन वायलेशन कहलाता एंड मेली वापस जेल जाते। जेल से बाहर आने के तुरंत बाद ही मेली ने मेली द मेनेस सॉन्ग निकाला जो काफी वायरल हुआ था उस टाइम यूट्यूब में एंड फिर मेली ने ऑफिशियली मर्डर ऑफ माई माइंड रिलीज कर दिया एंड ये गाना पहले साउंड क्लाउड पे आ चुका था सो बस पहले से ही थी एंड ये सॉन्ग काफी हिट हुआ एंड मेली एक सुपरस्टार बन गए इस गाने से। लेकिन मेली से मुसीबत ज्यादा दिन दूर नहीं रह सकती। मर्डर ऑफ माई माइंड गाने की लिरिक्स की वजह से मेली को दोबारा जेल जाना पड़ा क्योंकि जैसे मैंने बताया था कि मेली प्रोबेशन पे बाहर आए थे जेल से और मेली के सॉन्ग में मर्डर वगैरह से रिलेटेड कंटेंट थे सो वापिस जेल जाना पड़ा कुछ दिन। फिर जेल से बाहर आके मेली की बस और बढ़ी और कई और गाने निकाले जो काफी हिट थे एंड कई गाने रिकॉर्ड करके रख दिए। फाइनली मेली ने अपना ईपी रिलीज किया August 3rd 2018 को जो था आई एम यू जो कि 300 एंटरटेनमेंट के अंडर में आया था और इस ईपी को काफी पॉजिटिव रिव्यूज मिले थे। देन तो लाइव शोज, इंटरव्यूज, पार्टीज अलग ही स्टारडम में थे मेली। इवन बड़े बड़े आर्टिस्ट लाइक एड शीरन एंड कान्ये वेस्ट के साथ तक स्टूडियो में थे मेली। पर जैसा कि हम जानते हैं मेली और मुसीबत दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। फरवरी 2019 में मेली पुलिस में सरेंडर हुए डबल मर्डर चार्जेस में और वो भी उनके ही क्रू के मेंबर को गोली मारी थी मेली ने जिनका नाम था YNW सैक चेजर और YNW जूवी। क्यों गोली मारी थी मेली ने इसके कई कॉन्स्पिरेसी वीडियोस अवेलेबल है इंटरनेट पे लेकिन कॉन्स्पिरेसीज पे हम ऐसे यकीन नहीं कर सकते अंटिल एंड अनलेस मेली ये चीजें क्लियर नहीं करते और हम यहां सिर्फ क्लियर कट फैक्ट्स रखते हैं। जो है मेली जब जेल में थे तो YNW सैक चेजर और YNW जूवी दोनों के कुछ इश्यूज हुए थे मेली की मॉम के साथ और दोनों ने इवन मेली की मॉम को धमकी भी दी थी और ये बात मेली की मॉम ने शूटिंग इंसिडेंट होने से कुछ महीने पहले फेसबुक पे एक वीडियो पोस्ट करके बताया था। And don't ever come for me because my credentials is real. It ain't even a joke. So don't ever try to come for me because I don't even play them type of games. Like, what the fuck you got that I ain't got? Oh, you threaten me with your little gun? Bitch, I got big guns. At the end of the day, Melly is my child. And he is gonna be great because he's talented. फिलहाल मेली जेल में है और अभी भी कोर्ट केस चल रहा है। लास्ट बार जब तारिक पे मेली को जेल से कोर्ट लेके आए थे तो वो हंस रहे थे एंड ये पिक्स काफी वायरल हुई थी। और 2020 में मेली को जेल से बेल मिलने के चांसेस थे कोविड के चलते जैसे 69 को रिलीज किया था जल्दी। अनफॉर्चुनेटली मेली पे मर्डर चार्जेस थे सो बेल डिनाई हो गया और अभी भी मेली जेल में ही है और कोर्ट से इस केस का फैसला आना बाकी है। सो लेट्स सी क्या होता है। अगर मेली ने गलत किया है और वो गुनहगार साबित हुए तो डेफिनेटली वो अब कभी जेल से बाहर नहीं आएंगे। लेकिन केस में अगर मेली जीत गए तो इनके फैंस काफी हैप्पी होंगे क्योंकि मेली के जो कोर फैंस हैं उन्हें मेली का जो म्यूजिक कितना एडिक्टिव है वो जानते ही हैं। सो ये थी गाइस YNW मेली की कहानी। लेट्स होप फॉर द बेस्ट एंड मे जस्टिस बी सर्व्ड टू YNW सैक चेजर एंड YNW जूवी। अब मैं जल्दी से आपको कुछ इंटरनेशनल हिप हॉप के अपडेट्स दे देता हूं। द वीकेंड ने अपनी एल्बम डॉन FM अनाउंस कर दी है। कान्ये वेस्ट एक्ट्रेस जूलिया फॉक्स के साथ डेट करते हुए स्पॉट हुए हैं और डॉक्टर ड्रे ने $100 million दिए हैं अपनी एक्स वाइफ निकोल को डिवोर्स सेटलमेंट में। अब बारी है शॉर्ट आउट की तो आज का पहला शॉर्ट आउट जाता है मेरे भाई एमी जेम्स को जिसका नया कवर सॉन्ग किन्ना चिर आ चुका है। बहुत ही शानदार काम है एंड इसमें फीचर है रोइजी। दोनों ही सिक आर्टिस्ट है, सब लोग सपोर्ट करना। देन है नमन, इनका गाना बेवकूफ सुनना और सपोर्ट करना भाई को। फिर है तलिस्मान, इनका नया गाना शुगर बॉम्ब सुनना, बहुत अच्छा काम है भाई का। एंड अब है जाइलम वर्ल्ड, इनका नया गाना माहिया रिफिक्स सुनना, काफी नॉस्टैल्जिक सॉन्ग है ये। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट है रियल यश म्यूजिक, इनका गाना नफरत सुनना और सपोर्ट करना भाई को। तो इसी के साथ आज की वीडियो यहीं खत्म होती है। आप भी शॉर्ट आउट चाहते हो तो हमसे इंस्टाग्राम जरूर जुड़ना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, अपने घर वालों का ख्याल रखना, इंटरनेशनल आर्टिस्ट को सुनना और अपने लोकल आर्टिस्ट को सपोर्ट करना। बाय बाय, टेक केयर। अज जाननी मैं जान तेनू देना, गल संग वाली सारी मैं मिटा देनी आ। फोटो दिल दे कोने च जो लुका के सी मैं रखे, अज अखा दे सामने खड़ा देनी आ। तकदा ही जा...